निमाड़ क्षेत्र में रेल लाइन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। रविवार को तापी नर्मदा रेलवे लाइन निमाड़ क्षेत्र समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। यहां वक्ताओं ने पिछले 60 वर्षों से चली आ रही रेल लाइन की मांग पूरी नहीं होने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। वक्ताओं ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने चुनाव में रेल लाने के वादे कर विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तय किया, वहां पहुंचने के बाद रेल लाइन का रास्ता छोड़ दिया। यही कारण है कि क्षेत्र विकसित होने के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर है। समिति अध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि समिति ने खंडवा के सहेलजा अलीराजपुर को जोड़ने वाले रेल लाइन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे स्वीकृत और अमलीजामा फैलाने के लिए समिति प्रयास कर रही है। मांग पूरी करने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि यह मांग किसी एक जिले या गाँव के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए है। खिरगांव से ब्यूरो की रिपोर्ट। राहुल भाई ने बोला कि निमाड़ के लोग बहुत भोले हैं, किसी भी सांसद विधायक या प्रशासन की बातों में आ जाते हैं और 70 साल से आ भी रहे हैं, तो भाव रखता हूं और एक निवेदन करता हूं कि साकार करो सपना निमाड़ वासियों का, होने दो विकास इन पिछड़े निवासियों का, मत करो उपेक्षा हमारी, मांग करो स्वीकार। हार नहीं होती ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो हमारा यही है कि हम हमेशा प्लस सोचे। किसी के दिमाग में अगर ये बात नहीं आना चाहिए कि हम कैसे रेल लाएंगे, क्या होगा, तो पहले जो रेल का जो प्रोजेक्ट बना था 1936 से, जैसे बता रहे हमारे पाटीदार जी, मैंने भी सुना देखा है 1986-87 में जो प्रोजेक्ट बना उसमें 207 किलोमीटर इसको बताया गया था। फिर अभी जब एक आध महीने से हमारे पाटीदार जी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पूरा परीक्षण किया प्रोजेक्ट का, तो उसमें 210 किलोमीटर का एरिया मतलब निकाला। तो वो कैसे निकाला, खंडवा से जब बड़ौदा की बात कर रहे थे हम, तो 260 किलोमीटर आ रहा था। अब खंडवा से न लेते हुए हम 15 किलोमीटर इधर आ गए, पास में देसगांव के पास सहजला है, वहाँ से हम अलीराजपुर इसलिए जा रहे हैं कि अलीराजपुर ऑलरेडी लाइन चालू हो चुकी है। जब हमारा प्रोजेक्ट बना था, जब हम बड़ौदा और उदयपुर की बात कर रहे थे, पर अब हम दिलवा अलीराजपुर की इसलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर विकास की कोई ऐसी गतिविधि ज़्यादा नहीं हुई है। देखा जाए तो एक देवलाल ओड़ा डैम है, इसके अलावा कोई बड़ा कॉलेज, कोई बड़ा जिसको अपन कहें कि प्रोफेशनल जो उत्पन्न करता है, इस तरह की कोई संस्थाएं यहाँ पर अभी तक नहीं आई। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो चोट हमें आई है वो रेलवे लाइन की कमी के कारण आई है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिर्ची है, कपास है, सोयाबीन है, और ऊंचे पहाड़ों पर लोग लगातार इस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा परेशानी होती है। ये चीज़ें विदेशों में भी जा सकती हैं, इनकी काफ़ी डिमांड बाहर भी बढ़ सकती है, लेकिन हमने इन चीज़ों के ऊपर कभी प्रकाश डाला ही नहीं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे दामोदर जी अग्रवाल यहाँ पर बहुत वरिष्ठ काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने किया होगा, लेकिन मैंने जो देखा है अग्रवाल जी को बहुत बहुत समय से 2-3 मीटिंग में उनके साथ, मैं आपको रेल ला के दूंगा, आपका सर्वे हो चुका है, फिर भी उन्होंने जब जीत करके जाते हैं, हम लोगों के कीमती वोट लेकर के नेता जब दिल्ली और भोपाल पहुंचते हैं, तो अपने परिवार को और अपने निजी काम में लग जाते हैं, जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखते। बंधुओं, जब 8-9 के सर्वे के बाद मुझे भी मालूम पड़ा था ये प्रोजेक्ट महंगा है और निरस्त हो रहा है, तो मुझे एक जानकारी मिली थी कि 4% इसकी लागत ज्यादा आ रही, 4% से इसकी लागत ज्यादा हो रही थी। वो थी, आप कोई चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, ये आंकड़े आपको और कहीं मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी उस भाषा को नहीं समझ पाते। तो जो लागत ज्यादा थी वो थी 76.79 करोड़, मतलब लगभग 70-80 करोड़ के आसपास कीमत ज्यादा होना से हमारे प्रोजेक्ट को फेल कर दिया।
हमने किसी ने निमाड़ के 7 जिलों के लोगों ने निमाड़ के 7 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने कभी प्रयास नहीं किया कि हम अधिकारियों के पास जाएं और उनसे पूछें इसकी लागत कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, फेल क्यों हो रहा है और इसको पास करवाने के लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए। हमारी जो निमाड़ की मांग है वो पिछले 70 साल से मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक शासन की तरफ से स्वीकृति नहीं मिल रही है। और ये खंडवा से लेकर के कभी धार, कभी दाहोद, कभी सिंगाना मनावर घूम करके फिर धार को जोड़ करके और लागत उसकी अधिक बता करके इस तरह इस जो रेलवे लाइन का जो है उसको निरस्त किया जाता है। क्या लगता है आपको? अभी हमने इसका जो 9-10 में सर्वे हुआ था लेटेस्ट, उसका हमने अभ्यास किया है और उसमें धार के बजाय हमने उसको अलीराजपुर से जोड़ने का प्रयास किया है और खंडवा से न जोड़ते हुए हम सेजला खंडवा एक गांव है जहां खंडवा से इंदौर रेल लाइन जा रही है उससे जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में हमने पाया, हमने देखा इस्टीमेट का, हमने जो प्रोजेक्ट है उसका अभ्यास किया तो हमको लगा कि उसमें 43 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है, 9 किलोमीटर की टनल है वो भी उसमें निरस्त हो रही है और लागत में लगभग 325 करोड़ की कमी आ रही है। जब पूर्व का सर्वे था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, उसमें 70 करोड़ अधिक होने से इस प्रोजेक्ट को पिछले 50-60 साल से निरस्त कर रहे हैं, परंतु अभी हमने जो देखा है उसमें उनके सर्वे और उनके एस्टीमेट के हिसाब से ही हमारा प्रोजेक्ट लाइबल होता है और ये सरकार को पास करने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। आगे हमारा ये अभी पहला चरण है, इसके बाद में अभी 3-5 जिलों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे पहले चरण का। दूसरे चरण में हम संगठित होकर के धरना आंदोलन के साथ साथ रोड रोकने का भी प्रयास करेंगे और 5-5 जिलों में एक साथ धरना दे करके अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो हम नेशनल हाईवे को भी जाम करने का प्रयास करेंगे। इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कार्यकारी अध्यक्ष, ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।